हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। सब लोग कैसे हो? मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये मेरा पहला वीडियो है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे काफ़ी बच्चों के, कि काफ़ी बच्चों को क्वेरी थी कि हमें कैसे नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन करनी है। कुछ बच्चे प्रेशर हैं, कुछ बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके पास 16 दिन का टाइम बचा हुआ है। उस सबके अकॉर्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ ये आपको जाननी है कि इस वीडियो में हम सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। एक सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनकी बीएससी कंप्लीट हो गई है, जीएनएम बीएससी कंप्लीट हो गई है, उसके बारे में हम बताएंगे। और जो बच्चे फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे कि आपको कब से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कितने मंथ का टाइम आपको लगता है प्रिपरेशन करने में, कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी है, उन सब चीज़ के बारे में हम बात इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिएगा लास्ट तक ये वीडियो। जैसा कि आप सब जानते हो कि मेन चीज़ हमें क्या करना है कि अपनी भी पढ़ाई किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी काम को कंटिन्यूटी में लाने के लिए हमें क्या करने होती है, उसके लिए बने रहना होता है। किसी भी चीज़ में आप कंटिन्यूटी रखोगे तो डेफिनेट आपको सक्सेस की तरफ वो चीज़ लेके जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को लेके देख लो, अपनी डेली रूटीन लाइफ में देख लो कि हम जैसे दिन ब दिन ग्रो करते जाते हैं, जैसे हम दिन ब दिन ग्रो करते हैं, वैसे ही पढ़ाई का एक शेड्यूल होता है कि आपने डेली के डेली क्या करनी है, कंटिन्यूशन में रहना है, डेली के डेली आपको पढ़ाई करनी है। वही चीज़ आपको कहाँ तक लेके जाती है, एट द लास्ट मोमेंट तक लेके जाती है। जैसे कि सपोज दैट सबसे पहले हम बात करेंगे उन बच्चों के लिए जो अभी नॉर्थ सेट को 16 दिन बचे हैं और वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, उन बच्चों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जाननी है कि आज अब दो तारीख है, तो हम बात करते हैं कि 2 तारीख से आपको कितने दिन बचे हुए हैं। इस बार आपको सभी को पता है कि आपके 2 एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, एक तो प्री होगा और एक मेंस होगा, जिसमें प्री के अंदर हमें क्या करना है, मेंस के अंदर हमें क्या करना है, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेन चीज़ आपको क्या करना है कि जैसे आपने जो भी चीज़ पहले पढ़ रखी है, आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं पढ़नी है इन दिनों के अंदर। जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को आप कंप्लीट करिए, मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन करिए, दैट्स इट। यही कंडीशन हमें कहाँ तक लेके जाती है, सक्सेस की तरफ लेके जाती है। किसी भी चीज़ को हमें सक्सेस की तरफ ले जाने के लिए हमें कंटिन्यूशन की बहुत ज़रूरत होती है। ज़रूरत का मतलब क्या होता है कि जैसे आप सपोज दैट कोई बच्चा 10 घंटे तक डेली पढ़ाई कर रहा है, तो उसको 10-10 घंटे डेली ही पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपको क्या देखने को मिलेगा, अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सक्सेस आपको देखने को 100% मिल जाएगी। एक ना दिन ऐसा आता है, क्योंकि आप जब रोज़ पढ़ते हो तो रोज़ कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हो। ये डेफिनेट बात है कि आपने आज एक क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा, तो दूसरा दिन आपको डिफरेंट 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, जिनसे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग आपको 100% देखने को मिलेगी। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप जो बच्चे बीएससी को पास कर चुके हैं, जीएनएम बीएससी पार कर चुके हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि 6 महीने आप अपने एग्जाम के लिए दे दो। कितने महीने देने हैं? मात्र आपको 6 महीने देने हैं। नर्सिंग का सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट नहीं है, वो बहुत छोटा सिलेबस है। आप अगर उसको 6 महीने की, मैं आपको कैसे कह रहा हूँ कि 6 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सारे चीज़ों का डिक्टेशन आपको लिखना है, आपको सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। किसी भी कोचिंग से आप पढ़ो, कोचिंग मैटर नहीं करती इन चीज़ों के लिए, बस ये है कि आपको गलत गाइडेंस नहीं दे कोचिंग, मेन चीज़ यही होती है। बस आपको सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना है कि हम सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं। तो एक तो ये तरीका होता है पढ़ने का, एग्ज़ाम क्या पूछ रहा है, आप पढ़ क्या रहे हो। मेजर चीज़ ये होती है कि आप पढ़ क्या रहे हो और एग्जाम आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो वही चीज़ें साथ डिपेंडेंट करती हैं कि आपको क्या करना है लाइफ में और क्या नहीं करना है। मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम को या अपनी नर्सिंग की एग्जाम को नॉर्थ सेट के लिए आप 6 महीने अपना टाइम दे दीजिए, वो जिंदगी भर आपको अपना टाइम दे देगी। कैसे आपको 6 महीने पढ़ाई करनी है, सपोज दैट आपने किसी सब्सक्रिप्शन लिया ऑनलाइन आपने, या फिर ऑफलाइन में नहीं जाना, मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन आप पढ़ाई करो। ऑनलाइन पढ़ाई करने से क्या होता है कि आप अपने फ़ोन में 1 घंटे का लेक्चर आप 30 मिनट के अंदर देख लेते हो, 2 घंटे का लेक्चर आप 1 घंटे के अंदर देख लेते हो, उसमें कोई टाइम वेस्टेज नहीं है। आपके अपने ही ऊपर होता है सब कुछ कि हमें टाइम वेस्ट करना है या नहीं करना। मेन चीज़ ये है कि आपने आज से स्टार्ट करी, आज से आपके 6 महीने हैं किसी भी एग्ज़ाम को लेके आपके आज 6 महीने बचे हुए हैं, तो आपको क्या करना है कि आज अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, आज से अपना सिलेबस स्टार्ट कर देना है, कंप्लीट करना। आप कैसे करोगे कि आज से आपने लगाया कि 3 महीने तक मुझे अपने नोट्स को बनाना है, नोट्स को लिखना है, नोट्स को समझना है,
ठीक है, आपने सपोज 3 महीने अपने नोट्स को डिक्टेट करने के लिए दे दिए और समझने के लिए दे दिए। अब जो आपके पास 3 महीने बचे हैं, जो आपके पास 3 महीने जो एक्स्ट्रा बचे हैं, उन दिनों में आपको सिर्फ मल्टीपल टाइम रिविजन करना है। क्या करना है बच्चों? उसी 3 महीने के जो बचे हुए हैं आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, बार बार पढ़ना है उन चीजों को, ताकि वो चीजें आपके टिप्स पे याद हो जाए। अब जो बच्चे अपने इस नोट सेट को दे रहे हैं, जिसके 16 दिन बचे हुए हैं, इस नोट सेट में आपको करना क्या है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है 16 दिन के अंदर। देखो 16 दिन ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, 16 दिन बहुत मिनिमम टाइम होता है, आपको देखते देखते ये टाइम निकल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर वो चीज़ों को पढ़ें जो चीज़ आपकी रूटीन में है, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है। नई चीज़ों के लिए टाइम वेस्ट ना करें। नई चीज़ें आप पढ़ने जाएंगे तो पुरानी चीज़ों को भी भूल जाएंगे और नई चीज़ें भी याद नहीं रहने वाली है, डेफिनेट आपको याद नहीं रहने वाली है। सबसे पहली चीज़ आप यही है कि जो अपना रिवीजन आपने किया है उसको मल्टीपल टाइम्स फेरें, मल्टीपल टाइम्स का रिवीजन करें, कि जितना आप कर सके हो उतना दम लगा दीजिए 16 दिन के अंदर। यही है, ये लास्ट मौका नहीं है आपके पास, लेकिन मैं समझ सकता हूँ किसी भी चीज़ को करने के लिए टाइम लगता है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं साल भर से, 6 महीने से, काफ़ी अभी बच्चे हैं जो कि बहुत सालों से बेचारे लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। आप 16 दिन में अपनी जी जान लगा दीजिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, आप तो बस पढ़ने के लिए जुट जाइए। अब जो बच्चे 4th ईयर में हैं या 3rd ईयर में हैं, उनके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप 3rd ईयर में ही कोचिंग चालू कर दो या 4th ईयर में आप कोचिंग चालू कर दो। सपोज दैट आपने 3rd ईयर में या 4th ईयर में कोचिंग चालू कर दी और आपने अपने नर्सिंग सब्जेक्ट में या नर्सिंग में आपने फोकस नहीं किया, 4th ईयर में आपने फोकस नहीं किया, तो आपकी 1 साल बर्बाद हो सकती है। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि आप अपनी 4th ईयर कंप्लीट करो, उसके बाद आप एडमिशन लो, उसके बाद आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स लो। ऑफलाइन की मैं सलाह नहीं देता हूँ, ऑफलाइन में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं ऑफलाइन की सलाह नहीं देता हूँ। आप अपना ऑनलाइन कोर्स परचेज करें, कहीं से भी, कोई सी भी इंस्टीट्यूट से आप अपना ऑनलाइन कोर्स क्या करें, परचेज करें और उसको डिक्टेट करें अच्छे से। 6 महीने आप अपने जीवन को, आप अपने एग्जाम के लिए आप दे सकते हो। 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से अच्छा रिवीजन कर पाओगे। मेनली बात होती है कि आप अपने कोर्स को कंप्लीट कैसे करना है, कि आपको 3 महीने में आप अपना कोर्स खींच दोगे। 3 महीने में आप अपना कोर्स खींचने के बाद आपको, आपके पास 3 महीने बचेंगे, तो उन 3 महीने में आपको रिवीजन करना है, आपको अच्छी से अच्छी बुक्स प्रिपेयर करनी है। बुक्स में आपको एनालिटिक्स आप पढ़ सकते हो, जिनके क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं और अच्छी सलाह देते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे रैशनल जो होते हैं उनके वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। बाकी आप मेरा इंस्टाग्राम पेज है, क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में आप वहाँ पर डालता रहता हूँ पर डे के, हम 3-4 क्वेश्चन हम वहाँ डालते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगी। देखो सिंपल सी बात यह है कि किसी भी इमेज को याद करने के लिए जो मैं करता था, मैं आपको बताने वाला हूँ मैं क्या करता था, कि मैं जब भी मेरी एग्जाम होती थी तो मैं 1-1.5 महीने पहले सब इमेजेस को क्या करता था, स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता था। जब स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया तो मैं रात को सोने से पहले उनको एक बार अवश्य देखता था, एक बार जरूर देखता था, जिससे मुझे क्या हुआ कि मुझे वो सारी इमेजेस रट गई। जब भी एग्जाम में मैं बैठा तो वो सारी की सारी इमेज मुझे रिकॉल हो गई, एकदम से मेरे सामने आ गई, तो मैं वो क्वेश्चंस आंसर सही कर पाया। ताकि क्या होता है, बाकी क्या होता है कि जैसे मैं एम्स दिल्ली में हूँ तो बहुत सारे इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज़ें नई जुड़ जाती हैं हमारे नर्सिंग फील्ड में, तो उन सारी इमेजेस को भी मैं आपको शेयर करूँगा और शेयर करता भी हूँ, तो आप वहाँ मेरे को फॉलो करें ताकि आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो। एग्ज़ाम में एक बहुत बड़ी चीज़ एग्ज़ाम के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ मायने रखती है, कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत मैटर करता है। कि आप पढ़ रहे हो कुछ और एग्ज़ाम में कुछ पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। उस चीज़ों का जानने का तरीका ऐसा है कि आपको पिछले क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा, पिछले पेपर्स को उठा के देखना पड़ेगा। जो बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं उनको तो आइडिया हो ही गया है कि हमें कैसे कैसे पेपर्स आते हैं, कैसे कैसे हमें एग्जाम से में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, कि कैसे कैसे हमें अटेम्प्ट करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है, कैसे कैसे नहीं करना होता है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही है कि अपने 6 महीने जीवन के देने पड़ेंगे। अब जो बच्चे कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है, देखो कंटिन्यूएशन का मतलब एक सिंपल सी चीज़ ये है कि हमें कंटिन्यूटी कैसे रहनी है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है, काफ़ी बच्चे होते हैं कि आज मेरा पढ़ने का मन है तो आज मैं 24 के 24 घंटे पढ़ लेता हूँ, बाकी पूरा दिन सोऊंगा। तो आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, अपना टाइम फिक्स करना है कि मुझे 4 घंटे इस टाइम पढ़ना है और 4 घंटे उस टाइम पढ़ना है। 8 से 10 घंटे की सफिशियंट मेहनत के साथ आपको सक्सेस मिल सकती है इसी नोट सेट के अंदर। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको 8 से 10 घंटे डेली पढ़ना है, बाकी आप कुछ भी करो, किसी भी दिन में कुछ भी करो।
उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 8 से 10 घंटे आपको 100% देने ही है अपने 6 महीने के लिए। आप भूल जाइए सब कुछ, आपकी आपकी मेहनत जो होती है, आपकी सक्सेस आपके कदमों में होगी एक ना एक दिन। 100% आपकी 6 महीने के अंदर आपकी जो मेहनत है वो आपके कदमों में होगी।